हाय फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबके लिए बहुत प्यार सा थाल पोस लाई हूँ दोस्तों। चलिए फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हम उंगली को, इस तरह हम ऊन को जो है उंगली पर रखेंगे और इसे इस तरह से देखिए रिंग की तरह बना लेंगे, ऊन घुमा लेंगे इस तरह से। और फिर इसके बीच से कुर्सी डालते हुए हम इस ऊन को निकाल लेंगे बाहर, इस साइड निकाल लेंगे। और अब हम यहाँ पे देखिए पकड़ने के बाद इसे चैन बना लेंगे, एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे। और इसी के बीच से हम डबल कुर्सी बना लेंगे, एक इसे भी साथ में गिनेंगे, तीन है जो हमारा चैन है, तीन का दो हो गया इसे लेके, तीन चार पाँच, देखिए इस तरह से हम टोटल जो है 16 डबल क्रोशिया बना लेंगे इसके बीच से। ये देखिए यहाँ पे हमारा 16 डबल क्रोशिया मैं बना ली हूँ। इसे टाइट कर लेंगे इस वाले से पकड़ के, तीसरे चैन में डाल के इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। यहाँ पे एक दो तीन, तीन चैन बनाएंगे और सॉरी एक और बना लेंगे, चार चार चैन बनाएंगे। और उसके बगल वाले चैन में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, फिर उसके बगल वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, वन चैन, इसके बगल वाले में इस तरह से देखिए वन चैन और उसके बगल वाले चैन में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से मेरा कंप्लीट हो गया राउंड ये दूसरा। और अब हम यहाँ पे वन चैन लेंगे, वन चैन लेने के बाद एक दो तीन, तीसरे चैन में डाल के इसे स्लिप स्टिच कर लेंगे इस तरह से। और फिर से यहाँ पे एक दो तीन चैन बनाएंगे और देखिए इसी जगह पे डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चैन लेंगे, फिर यहाँ पे ये जो डबल क्रोशिया है उसके बगल वाले में बना उसकी उसमें बनाएंगे, उसके सामने दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन चैन, फिर से ये जो हम डबल क्रोशिया बनाए वहाँ से चैन उठाएंगे और दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और दो, एक चैन लेंगे, फिर से बनाएंगे देखिए यहाँ से दो डबल क्रोशिया, एक और दो, वन चैन। ये देखिए इस तरह से राउंड ये कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा तीसरा राउंड भी कंप्लीट हो गया ये। और अब यहाँ पे चैन ले लेंगे, अगर आप यहाँ पे ये हमारा सुगुड़ रहा है तो यहाँ पे ये चैन बढ़ा सकते हैं, दो कर सकते हैं, एक दो तीन, तीसरे चैन में डालेंगे और एक स्लिप स्टिच करेंगे, थ्री चैन लेंगे, एक दो तीन हो गया। और देखिए यहाँ पे बनाएंगे उसके बगल वाले में बनाएंगे चैन में, एक और बना लेंगे दो टोटल। अब हमारा यहाँ पे देखिए ये जो डबल क्रोशिया है बढ़ते जाएगा। फिर से यहाँ पे वन चैन लेंगे और यहाँ पे देखिए बनाएंगे ये जो दो डबल क्रोशिया है उसके सामने वाले चैन को उठाएंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से यहाँ पे उसके बगल वाले चैन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे वन चैन, फिर से यहाँ पे देखिए एक डबल क्रोशिया और उसके बगल वाले चैन में दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से फिर से वन चैन लेके फिर से यहाँ से सेम ये चीज़ स्टार्ट करेंगे। तो इसी तरह हमारा देखिए यहाँ पे चैन डबल क्रोशिया जो है बढ़ते जाएगा। देखिए इसी राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए हमारा चौथा राउंड भी कंप्लीट हो गया। और पांचवा राउंड पे मैं देखिए यहाँ तीसरे चैन में डाल के स्लिप स्टिच करी हूँ। अब हम यहाँ पे चैन बनाएंगे, एक दो तीन, ये हमारा पांचवा राउंड है। तो यहाँ पे हम देखिए इस बगल वाले चैन में बनाएंगे उसके एक डबल क्रोशिया और फिर उसके बगल वाले चैन में बनाएंगे दो डबल क्रोशिया, फिर वन चैन लेंगे। ये देखिए टोटल हमारा चार डबल क्रोशिया हो गया,
एक दो तीन चार, इसी तरह हमारा आगे भी डबल क्रोशिया बढ़ते जाएगा। फिर से यहाँ पे हम देखिए दो चैन में एक एक बना लेंगे और इसके लास्ट वाले में इसमें जो है दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक ही में से वन चैन लेंगे फिर यहाँ पे इस तरह से, फिर से सेम चीज़ यही सेम बनाएंगे। तो राउंड जो है इसी तरह हम आगे भी बना के आपको दिखाती हूँ, कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमारा यहाँ पे देखिए एक एक डबल क्रोशिया इसके ऊपर बढ़ते जाएगा तक बना के दिखा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मेरा राउंड जो है, मैं यहाँ पे 14 राउंड टोटल बनाई हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह राउंड बनाए हूँ यहाँ पे। और अब हम यहाँ पे देखिए वन चैन लेंगे और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया करेंगे उसके बगल वाले चैन में, फिर से यहाँ पे हम दो सिंगल क्रोशिया करेंगे, एक एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे बना लेंगे इस तरह से, हर एक निकालेंगे चैन में से, देखिए हमारा ये दो जो लास्ट का चैन है इसमें एक और बना लेंगे फिर से। अब हम यहाँ पे ये जो हम एक चैन लिए थे वहाँ से भी एक सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से, फिर से यहाँ से चैन में जो है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, बारह चैन में जो है एक एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। और ये जो तेरहवा हमारा चैन है इसमें हम दो सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक ही में से। तो इसी तरह देखिए यहाँ पे बना लेंगे, ये देखिए इसमें से अब हम दो बना लेंगे एक और दो, फिर से ये चैन हमारा जो है इसमें से भी हम एक सिंगल क्रोशिया लेंगे। और अब हम यहाँ पे देखिए ये राउंड देखिए इस तरह से ही कंप्लीट करेंगे। ये देखिए राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है और अब हम यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच करेंगे डाल के यहाँ पे चैन पे इस तरह से, और एक दो तीन चैन बनाएंगे और उसके बगल वाले चैन में बनाएंगे हम एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल वाले चैन में एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में एक डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह टोटल हमारा चार डबल क्रोशिया हो गया, एक दो तीन चैन लेंगे और फिर से यहाँ पे हम दो चैन स्किप करेंगे, एक दो दो चैन स्किप करके तीसरे वाले में बनाएंगे डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, फिर उसके बगल में दो तीन, यहाँ पे हम तीन चैन लेने के बाद चार चैन में जो है चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चार, फिर से तीन चैन लेंगे और फिर यहाँ पे दो चैन स्किप करने के बाद चार चैन में चार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक एक करके, दो हो गया तीन चार, फिर से एक दो तीन चैन लेके फिर से सेम इसी तरह देखिए राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया मेरा। और अब हम यहाँ पे देखिए एक दो तीन, तीन चैन बना के एक दो तीन तीसरे चैन में डाल के स्लिप स्टिच करेंगे, और फिर अब हम यहाँ पे देखिए स्लिप स्टिच करते हुए यहाँ पे लेके आएंगे क्रोशिया को चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए डालते हुए यहाँ पे लेके आएंगे, फिर से एक दो तीन चैन लेके इसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया तीन, ये देखिए एक दो तीन चार हो गया, एक दो चैन लेंगे दो और फिर से इसी में बनाएंगे एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया फिर से इसी में से बनाएंगे और फिर से इसके नेक्स्ट इसमें बनाएंगे सेम एक दो तीन चार, दो चैन
और फिर से चार डबल कुर्सी बनाएंगे, दो हो गया, तीन, चार। टोटल हमें यहाँ पे देखिए इस तरह से आठ डबल कुर्सी बनाना है। दो चैन लेते हुए यहाँ पे दो चैन लेंगे, फिर चार डबल कुर्सी बनाएंगे, फिर दो चैन, फिर चार। फिर से इसमें सेम इसी तरह इसमें बनाएंगे, तो राउंड देखिए राउंड इसी तरह कंप्लीट करेंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरा राउंड कंप्लीट हो गया, ये जो है इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया है। और मैं यहाँ पे तीसरे चैन में डाल के स्लिप स्टिच कर ली हूँ। और अब हम यहाँ पे देखिए एक दो तीन चार चैन लेंगे, और उसके बगल वाले चैन में हम उसके बगल वाले चैन में डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। वन चैन लेंगे फिर से, और अब उसके फिर से इन चारों में हम एक एक डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। वन चैन लेते हुए वन चैन, फिर से एक डबल कुर्सियाँ। ये देखिए इस तरह से एक चैन लेंगे, और अब हम यहाँ पे इसके बीच से देखिए चार डबल कुर्सियाँ बनाएंगे। वन चैन लेते हुए एक दो तीन चार, वन चैन, फिर से इन चारों डबल कुर्सियाँ हम बना लेंगे चैन में। एक एक डबल कुर्सियाँ चैन लेंगे वन, फिर उसके बगल वाले चैन में डबल कुर्सियाँ, वन चैन, फिर यहाँ पे वन चैन, यहाँ पे वन चैन, देखिए इसी तरह अब हम यहाँ पे इन चारों में भी बना लेंगे डबल कुर्सियाँ, वन चैन, फिर वन चैन, ये देखिए। अब हम इसके बीच से फिर से चार डबल कुर्सियाँ बनाएंगे वन चैन लेते हुए, ये देखिए चार हो गया। फिर से ये देखिए इसी तरह राउंड जो है हर एक चैन में जो है यहाँ पे हम चैन जो है हमारा यहाँ पे हम एक एक बनाएंगे, और इसके बीच से चार डबल कुर्सी बनाएंगे वन चैन लेते हुए। ये देखिए इस तरह से राउंड कंप्लीट कर लेंगे। फिर ये देखिए यहाँ पे मेरा राउंड कंप्लीट हो गया इस तरह से बन के पूरा। और अब हम यहाँ पे देखिए वन चैन लेंगे और तीसरे चैन में लाके इसे स्लिप स्टिच कर देंगे। एक दो तीन, तीसरे चैन में लाके स्लिप स्टिच करने के बाद अब हम यहाँ पे देखिए वन चैन लेंगे और इसे काट के निकाल लेंगे, काट देंगे उनको। इसी जगह से हम इस पीला कलर को उनको लगाएंगे, आप कोई और कलर ले सकते हैं। ये देखिए गांठ बना लेंगे एक, और इसी जगह पर लगाएंगे। यहाँ पे चैन बनाएंगे एक दो तीन चैन बनाएंगे, और यहाँ से देखिए यहाँ पे डालेंगे इस वाले में और एक सिंगल कुर्सिया करेंगे। फिर से एक दो तीन चैन बनाएंगे और यहाँ पे डाल के सिंगल कुर्सिया करेंगे। ये देखिए इस तरह से एक दो दो तीन, और उसके बगल में डाल के इस तरह से सिंगल कुर्सियाँ कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से बनाते हुए हमें यहाँ पे यहाँ तक लेकर आना है। ये जो हमारा चार डबल कुर्सियाँ देखिए इसे स्किप कर देंगे, यहाँ पे लेकर आएंगे इसके बीच में यहाँ पे। ये देखिए ये जो चार डबल कुर्सी बनाई हूँ मैं यहाँ पे,
एक दो तीन चार, ए और इधर इस तरफ चार डबल कुर्सियाँ और इसके बीच में ले आएंगे यहाँ पे। इसके आगे दिखाती हूँ मैं आपको, ये देखिए यहाँ पे मेरा यहाँ तक कंप्लीट हो गया, मैं कर ली हूँ, बना ली हूँ। और अब हम यहाँ पे देखिए ये जो दो डबल कुर्सियाँ हैं यहाँ पे हम एक और दो और बना लेंगे, दो में एक दो तीन चैन लेते हुए एक एक हो गया, एक और बनाएंगे, दो दो में बना लेंगे। और अब हम यहाँ पे देखिए ये जो हमारा चार डबल कुर्सियाँ है यहाँ पे इसके बीच में इस तरह से देखिए, इसके बीच में लाने के बाद यहाँ पे दो डबल कुर्सियाँ जो है हमारा ये यहाँ पे हम एक और दो यहाँ पे डालेंगे कुर्सियाँ को इस तरह से। और अब हम यहाँ पे ये जो हम निकाले थे लूप को यहाँ पे हम डालेंगे इस तरह से कुर्सियों को, और इस तरह से निकाल लेंगे इसी बीच से। और फिर से देखिए फिर से यहाँ पे हम थ्री चैन लेंगे, एक दो तीन चैन लेके यहाँ पे बनाएंगे सिंगल कुर्सियाँ करेंगे, एक एक दो तीन चैन लेके सिंगल कुर्सियाँ। फिर से देखिए यहाँ पे हम सेम इसी तरह ये जो है बनाएंगे, यहाँ तक बनाएंगे, यहाँ तक ये देखिए एक इसी यहाँ पे छोड़ के चार डबल कुर्सियाँ इस वाले चार डबल कुर्सियाँ सामने बनाएंगे यहाँ पे इसके इसके सामने बनाएंगे बीच में यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक दो डबल कुर्सियाँ और बना लेंगे, उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको यहाँ पे बना लेंगे, यहाँ तक बनाने के बाद मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे मैं बना ली हूँ यहाँ तक, इसे स्किप करते हुए यहाँ पे ये जो चार डबल कुर्सियाँ इसे हम यहाँ पे नहीं देखिए यहाँ तक नहीं बनाएंगे, यहाँ यहाँ तक बना के। और अब हम यहाँ पे फिर से देखिए एक दो तीन तीन चैन लेके दो में और बना लेंगे सेम इसी तरह, दो डबल कुर्सियाँ में सिंगल कुर्सियाँ करते हुए इस तरह से देखिए तीन चैन लेंगे और सिंगल कुर्सियाँ करेंगे, दो हो गया हमारा ये। और फिर से अब हम यहाँ पे सेम इस तरह से बनाएंगे ये जो अभी हम बनाए हैं बनाई हूँ यहाँ पे बनाएंगे। तो यहाँ से हम देखिए यहाँ से स्टार्ट करेंगे ये जो हमारा चार डबल कुर्सियाँ है इसके बीच में जाने के बाद यहाँ पे इसे एक और दो एक दो दो दूसरे वाले में डाल के इसे इस वाले तरह से इसे निकाल लेंगे इस लूप को, देखिए इस तरह से ये देखिए हमारा बन गया इस तरह से। फिर से हम एक दो तीन चैन लेके फिर से सेम सेम प्रोसेस इसी तरह बनेगा हमारा, देखिए इस तरह से हर बार राउंड जो है इसी तरह से बनेगा। तो इसी तरह से राउंड जो है कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके आगे मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए दोस्तों ये देखिए मेरा जो है राउंड कंप्लीट हो गया है, ये इस तरह से और अब हम यहाँ पे देखिए यहाँ पे हमारा इस तरह से ये कंप्लीट हो गया है, मेरा बना ली हूँ पूरा। यहाँ पे हम देखिए काट लेंगे वन चैन लेके इसे, ये देखिए यहाँ पे मेरा एक जो है कम हो रहा है, ये इस तरह से गांठ लगा लेंगे। गांठने लगाने के बाद यहाँ पे देखिए इस तरह से पकड़ के दोनों यहाँ पे बराबर करने के बाद यहाँ पे इस तरह से बांध देंगे, ये देखिए इस तरह से गांठ लगा ली हूँ मैं। यहाँ पे हम निकाले से इस साइड निकाल लेंगे इसको, इसे भी हम दबा देंगे इसे अंदर की साइड इस तरह से, और इसे हम काट लेंगे। अब देखिए इस तरह से
ये देखिए। और अब हम यहाँ पे देखिए इस तरह से एक फ्लावर बना के आप यहाँ पे इसके बीच में लगा सकते हैं, लगा लें। ये देखिए आप यहाँ पे गुड़िया लगा सकते हैं इस गोल्डन कलर का, आप वाइट भी लगा सकते हैं यहाँ पे इस तरह से एक एक करके यहाँ पे लगा लेंगे। जैसे लगा लेंगे आप इस ग्लू गन से या लगा लें यहाँ पे या सुई की मदद से, तो यहाँ पे बहुत टाइम लगेगा लगाने में, तो इसीलिए आप यहाँ पे ग्लू गन का इस्तेमाल कर सकते हैं, लगा सकते हैं ग्लू गन से। तो मैं आपको लगा के दिखा रही हूँ ये पूरा। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हमारा बन के कम्प्लीट हो गया है। इस तरह से मैं यहाँ पे गुड़िया भी लगा ली हूँ मोती, और बहुत ही प्यारा लग रहा है दोस्तों ये बनने के बाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और अपने दोस्तों में ये वीडियो जरूर शेयर करें दोस्तों, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।